हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक मैस्कुलाइन एनर्जी या नार्सिसिस्टिक कोई आपका पार्टनर है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। और अगर आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर ही नार्सिसिस्टिक है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। 2020 में मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करी थी, बहुत ही प्यारी, जिसमें मैंने बताया था एक लड़की के बारे में जो 9 महीने से सेपरेशन में थी। लड़की जॉब करती थी और देन जब वो अपने ट्विन के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया में थे, जॉब करते थे, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे, किसी कॉमन फ्रेंड थी उनकी और उन्हीं की फ्रेंड लिस्ट में ये भी थी, किसी मैनेजर पोस्ट पे जॉब करती थी दिल्ली में, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनको बहुत कनेक्टिविटी फील हुई, वो फिर कनेक्ट हुए, डेली रेगुलर बेसिस पे बातें करना, काइंड ऑफ बबल फेज उनके बीच में 8-9 महीने चला। 8-9 महीने के बाद जो है कुछ क्लैशेज हुए और कम्प्लीटली उनका बंद हो गया एक दूसरे से बातचीत। 9 से 10 महीने का उन दोनों के बीच में सेपरेशन रहा, जिसमें एक भी मैसेज, एक भी बार फ़ोन पे बात नहीं हुई, हर जगह से एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। बट वो लड़की जिसने उसे ये काउंसलिंग ली थी, उसने अपनी जॉब वॉब छोड़ के जो है अपना कुछ मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ बड़ा काम, और जो भी उसके पास अच्छे खासे जो उसने अपनी सेविंग्स करके रखी थी जॉब से, वो उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी अपने क्रिएटिव साइड पे और उसको एक्सप्लोर किया, और उसी में अपने माइंड को डाइवर्ट किया जब वो उससे सेपरेट हुई। उससे सेपरेशन के बाद उसे ये रियलाइज़ होने लगा कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा स्पेशल था उसके लिए, और उस पर्सन की ड्रीम आना उसको बंद नहीं होते थे, हमेशा उसकी ड्रीम हायर सेल्फ से कनेक्ट रहना। बट उस टाइम पीरियड में वो बहुत पॉजिटिव चीज़ों में थी, काफ़ी काम डाउन एनर्जी में रहती थी, पीस में रहती थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये उनकी जो स्टोरी थी वो मैंने शेयर करी थी 2020 में। उसके बाद उनको एक दिन ड्रीम आया, ड्रीम में उन्होंने देखा कि उनका जो ये है, जो मतलब जिससे वो मिली भी नहीं थी, सिर्फ वीडियो कॉल और फ़ोन और जब साथ में थी, तो उनको ड्रीम आया कि वो इंडिया आ गया है। उन्होंने अपने फ्रेंड को, जो कॉमन फ्रेंड थी, उसको फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि हाँ, वो लड़का इंडिया आ गया है। अब इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, ये वो कि क्या करूँ। हार झक मार के इन्होंने SMS कर दिया। अब जब SMS किया तो तुरंत उस पर्सन का जो है रिप्लाई आया और बहुत सारी बातें शुरू हो गई, अनब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे भी सारा, जो दोबारा से चीज़ें ठीक होने लग गई। अब इस लड़के ने क्या किया कि इस लड़की को बोला कि हम मिलते हैं, मतलब खुद ही, क्योंकि इसको भी बहुत था मिलने का, क्योंकि मिले नहीं थे ना अभी तक तो ये, लेकिन इसने ये बात नहीं बोली बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं चाहती थी इतनी डिज़ायर और इस डिस्प्रेसी में रहे, तो नहीं बोला। लेकिन एक दिन रात को 10 बजे उस लड़के ने बोला कि मुझे अभी तुमको देखने का और मिलने का मन कर रहा है। और तब इस लड़की ने बोला कि नहीं, इट्स टू लेट, रात हो गई है, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं मिल सकते, कल सुबह देख लेते हैं। तो दैट बॉय इज़ एक्चुअली फ्रॉम फरीदाबाद एंड गर्ल जो है वो दिल्ली की। तो उस वक्त उसने मना कर दिया, सुबह का टाइम उन्होंने फिक्स किया, लड़की पूरे तैयार होके इतनी सुंदर सी बन के, अपने घर वालों को भी, उनको पता था कि ये इसको पसंद करती है, शी इज़ कम्प्लीटली रेडी। एंड हुआ क्या कि सुबह उसका माइंड पलट गया, माइंड अलग मतलब हो गया, और बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मना कर दिया। एंड शी कॉल्ड मी कि मैम देखो ये क्या है, रात को ही वॉज सो डेस्परेट टू मीट कि मिलना है, एंड अभी सुबह का ये देखो इसने क्या कर दिया, ये क्या है। एंड उसके बाद वो लड़की को बहुत ज़्यादा वो होने लगा कि सामने एक बार देखा भी नहीं है, जिस इंसान के लिए मैं पिछले 1.5-2 साल से दिमाग का भाजीपाव हो चुका है, उसको मैंने देखा भी नहीं है, और तो मैं आप कर लेती हूँ अप्रोच, मैं पूछ लेती हूँ। तो जब भी वो पूछ रही है वो थोड़ा गैप लेके, नहीं 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 अभी नहीं मिल सकते, नहीं 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 अभी नहीं हो सकता, रहने दो, ये है वो है, इतने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे उसके जाने के। एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैम मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं लड़ नहीं सकती, झगड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस इंसान की वजह से 2 साल से मेरे दिमाग की बैंड बजी हुई है, मैं 1 मिनट इसको दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ, इसमें हिम्मत है नहीं, मुझे बार बार हिम्मत करके कुछ ना कुछ बार बार अप्रोच करना पड़ता है, कभी SMS करना पड़ता है और कभी जो है पूछना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हिम्मत आएगी। तो उस वक्त मैंने बोला कि तुम
एक ही हफ्ता रह गया था शायद उस लड़के के जाने का। तो मैंने उसको बोला कि भूल जाओ सब कुछ, अभी पकड़ो टैक्सी और पहुंच जाओ इसकी गली में और बोलो कि डेटिंग वेटिंग होती रहेगी, मुझे एक बार देखना है तुम्हें, ज़रा कि ज़रा मैं देखूँ तो सही कि 2 साल जिसके पीछे मेरे दिमाग का भाजी पाव बना पड़ा है, ज़रा देखूँ तो सही कि वो है कौन। तो जब ये लड़की हिम्मत करके टैक्सी करके ओला करके पहुंच गई उधर, 20 जनवरी या दिसंबर जनवरी की बात है ये, पहुंच गई। वहां से इसने कॉल करके बोला कि घर के नीचे ही खड़ी हूँ, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड थी उसी के घर के पास उनका घर था, कि घर के पास ही हूँ, नीचे आके बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दूँ, मुझे देखना है कि पिछले इतने साल से जिस बंदे के पीछे मैं पागल रखा दिमाग 2-3 2.25 साल से, जरा उसको देखूँ तो सही कि है कौन। एंड जब वो आया तो ही वाज सो हैप्पी कि मतलब उसको वो उसकी करेज और उसका इस तरीके से स्टेप लेना बहुत अच्छा लगा। और फिर वो उसको खुद अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए दिल्ली तक गया और पूरे रास्ते उन दोनों ने बहुत बातें करी। उसने मुझे बोला मैम पूरे रास्ते 222 999 999 हर गाड़ी के पीछे यही नंबर था, एंड इवन उस लड़के को भी वो सारे नंबर दिख रहे थे, वो भी बोल रहा था मुझे भी दिखते हैं ये नंबर। सो वो उसके बाद वो इतना इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से कि मतलब कैसे इस लड़की ने मेरे लिए, मतलब जिस चीज़ जिस स्टेप को लेने से मैं डर रहा था कैसे इसने मेरे लिए लिया। और फिर उसने अपने घर में बात करी अपने बुआ से अपने पापा से और फिर उनके घरों में बात पक्की हुई। तो ये तो एक ऐसे डीएम की बात है जो कि बहुत सुलझा हुआ है, समझदार है, हाँ बस थोड़ा सा हिम्मत कम है। इस कहानी में वैसे भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होती है, करेजियस होती है, ज़्यादातर वही एक्शन ओरिएंटेड बनी रहती है, एनर्जी लेवल वाली एक्शन लेने में। तो यहाँ कहानी में लड़का बहुत सुलझा हुआ था, बस उसके अंदर हिम्मत थोड़ी कम थी। लड़की ने वो हिम्मत दिखाई, लड़के ने उसकी वो चीज़ देखी, यानी वो सो इम्प्रेस की वाओ। और फिर उन दोनों की बात फैमिलीज में बात हुई और बात पक्की हो गई ना। दो अभी तो वो दोनों बहुत खुश ही हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, खुश हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक और स्टोरी मेरे पास एक और है जो मुझसे काउंसलिंग लेती हैं। तो उनका क्या था कि शी वॉज सेइंग मतलब उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत ही खुश रहती थी, अपने आप में रहती थी हमेशा से। शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिज लाइफ बट शी वॉज हैप्पी, अपने आप में वो खुश रहती थी। एंड उन्होंने बताया कि ये जो उनका जो ट्विन था ये बड़ा ये उनको मिला और एज ए फ्रेंड दोनों बातें करते थे, कभी कभी मिलते थे बातें करते थे। इन्होंने बोला कि इनको वो फीलिंग अचानक से फील होने लग गई, इनको सिंक्रोनिसिटी शुरू हो गई, इनको अवेकनिंग स्टार्ट हो गई उससे मिलने के बाद। तो इनको जो फीलिंग वो उठ रही थी इन्होंने सोचा कि उसको मैं सप्रेस करती हूँ या इसको दबाने की कोशिश करती हूँ। बट एक अमावस्या पर इन्होंने बताया कि उनके खुद के ट्विन ने जो कि वो बड़ा नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ था उसने खुद इनको अप्रोच करके बोल दिया कि आई रियली लाइक यू, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरे आसपास रहती हो तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, एक हाई एनर्जी फील होती है, स्ट्रॉन्ग फील, हेवन फील होता है तुम्हारे आसपास। एंड शी वॉज लाइक, इन्होंने बोला कि मैं समझ नहीं पाई कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि उस दिन अमावस्या ही थी आज की तरह, और इन्होंने बोला कि दिल खोल के इन्होंने जो है खूब बात करी, अपने बचपन की बातें दोनों ने करी, अपने एक रिलेशनशिप जो रहे होंगे कभी इनके तो उसके बारे में इन्होंने बात करी, बहुत बात करी, दिल खोल के सारी बातें करी। और फिर इन्होंने बोला कि जैसे ही वो बातें कंप्लीट हो गई, सारी बातें हो गई, अचानक से उसका एक नया रूप निकल के आया जिसमें वो सडनली जो है इनको डांटने लगा, डोमिनेट करने लगा और अजीब तरीके से वियर्ड, जैसे मतलब वो क्लोजर हुआ तो उन्होंने बोला कि अजीब से बिहेव करने लगा। तो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान ऐसे भी बिहेव कर सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने अगले दिन उसको मैसेज किया तो उसने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने अगले दिन किया तो नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने काफ़ी सारी कॉल्स करी तो उठा नहीं रहा, तो इनको बड़ा चीटेड फील हुआ कि ये क्या किया मेरे साथ, क्या बिहेवियर किया कि अच्छे खासा इतना बात करने के बाद ये रन, ये भागने की क्या ज़रूरत है, ये कैसे बिहेव कर रहा है या कर। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इनको एकदम से झटका सा लगा कि ये क्या है क्या नहीं है। एंड देन इन्होंने अपनी लाइफ को मूव ऑन किया, आगे की तरफ आगे चलती रही, भूल गए वो सारी बातों को। और उसके बाद फिर एक पूर्णमासी आई, इन्होंने बताया कि एक पूर्णमासी आई फुल मून 2-2.5 महीने के बाद, जिसमें कि इसके पर्सन ने फिर से, वो जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है उसने इनको दोबारा से मैसेज किया और फिर से दिल खोल के बात करने लग गया।
अब इनको, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के वीडियोस देखे थे कि सेपरेशन के बाद ये होता है वो होता है, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं इतनी खुश हुई और वो इतने दिल से बात कर रहा था और ये है वो है और आई वॉज सो हैप्पी। एंड नेक्स्ट डे वो जहाँ वो वहाँ काम करती थी उसी जगह पे वो आ भी गया उससे मिलने के लिए, अपने आप से सरप्राइज मीट। सो इन्होंने बोला कि फिर से मिलने के बाद फिर से उसने वही चीज़ करनी शुरू कर दी, मतलब कि एकदम से बात करना बंद कर दिया, एकदम से बिल्कुल वो कर दिया। एंड उनको उस लेडी ने बोला कि उसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक पड़ने लग गए कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, सडनली ये आ जाता है, सडनली ये दिल खोल के बातें कर लेता है और सडनली से सारी बातें हो जाती है, पूरा एनर्जी खींच लेता है देन सडनली भाग जाता है। तो इस टाइप के बंदे को नार्सिसिस्टिक कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, एनर्जी सकिंग कर रहा है। ये जैसे ही अपनी डेफिनेटली ये भी अवेकनिंग के प्रोसेस में होगा, इसका क्या हो रहा है, इसका ग्राफ जैसे ही लो हो रहा है, इसको किसी की एनर्जी की ज़रूरत है जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। तो जैसे ही इसका ग्राफ नीचे हो रहा है, ये खुद पे काम करने की बजाय अपने इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की बजाय ये झटपटा रहा है और लोगों की एनर्जीज़ को या कौन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनकी एनर्जीज़ को खींच रहा है। क्योंकि इन्होंने ही मुझे बताया कि पहली बार न्यू मून के दिन उसने इनको प्रपोज किया एंड उसके बाद इन्होंने बताया कि फुल मून के दिन ये सीधा 2-2.5 महीने बाद, जो इतने टाइम से बात नहीं कर रहा था, अचानक मिलना है। तो इस तरीके के लोगों को नार्सिसिस्टिक कहा जाता है, जिनको दूसरे की कदर ही नहीं होती। पहले वाले केस में क्या था, लड़की वहाँ गई, लड़के ने उसकी वो देखा और उसको कमिटमेंट दी, उसके प्यार को अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसान इतना तड़प रहा है, वो बार बार कॉल कर रहा है, बात करना चाह रहा, दूसरा इंसान उससे बात ही नहीं कर रहा है। और जब उसका ग्राफ गिर रहा है तो वो भाग भाग के उसके पास जा रहा है बार बार। उसके बाद इन्होंने बताया कि यही चीज़ रिपीटेड वे में 4-5 बार और हुई उनके साथ। और वो उनका वो जो पहले उन्होंने बताया कि वो इतनी बबली रहती थी, इतनी खुश रहती थी, अचानक उनका भी ग्राफ बहुत ज़्यादा जो फेमिनाइन थी उसका भी गिर गया। और उन्होंने बोला कि इतनी बुरी तरह से रोती थी, लड़ती थी इसके साथ कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे मतलब ये मैं कौन से लेवल पर आ गई हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा लेवल नहीं है मैं जो कर रही हूँ। बट वो बंदे का यही रहता था, ऑन ऑफ नार्सिसिस्टिक का माइंड गेम खेलना, चलाकी करना, जो फ़ोन करना तो खुद घंटों घंटों बात करना, जब दूसरा इंसान फ़ोन करे तो फ़ोन काट देना या उठाना ही नहीं, या ऐसे बात करना जैसे कि कुछ है ही नहीं इन लोगों के बीच में, तो माइंड गेम खेलना। तो कुछ टाइम पीरियड तक इन्होंने मुझे बोला कि मैम हमने मैंने कई चैनल्स के वीडियो देखे, ये देखा, उसमें ये बोला कि आपका जो पर्सन है वो इधर उधर से कार्मिक धक्के खा के आ जाएगा, ये है वो है। तो ऐसे ऐसे कहती शी वाज सेइंग कि आई वाज वेटिंग कि चलो कभी तो ये सुधरेगा। सो कई बार इन्होंने कहा कि 1-1.5 साल तक इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। फिर एक बार 1-1.5 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। उस 1 साल तक इन्होंने बोला कि इनकी डिप्रेशन की गोलियां चली, इनके हीलिंग सेशंस चले, न जाने क्या क्या चला इनका, क्योंकि इनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले दिनों इनके साथ हुआ क्या है, ये कैसे कोई इनके साथ करके चला गया, वो भी वो इंसान जिसके साथ इनको इतनी हाई कनेक्टिविटी फील हुई, जिनके ऊपर इन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया, जो दोस्त बन के इनके लाइफ में आया था। सो 1 साल बाद क्या हुआ, ईश्वर ने, अभी उन्होंने मुझे नवरात्रि में बताया कि वैसे नवरात्रि के दिन टाइम पीरियड में अष्टमी के आसपास इस बंदे ने मुझे फिर से कॉल किया अचानक 1-1.5 साल के बाद। और इसने बताया कि इसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, और न जाने कितनी दिल की बातें खोल के बोल रहा था। मतलब पहले मतलब इतनी बातें उसको बोलनी भी नहीं, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी उस फेमिनाइन ने, पर वो दिल खोल के इतना कुछ उसको बता रहा था कि पहले मेरे पास इतना रहता था, अब ये हो गया, ये है वो है, एंड ही वाज इवन एक्सपेक्टिंग कि ये इसकी मदद करे फाइनेंशियल। तो उसको समझ आ गया एंड ऑफ द कन्वर्सेशन कि आई थिंक ही केम बैक, क्योंकि इसको फिर से इस वक्त ज़रूरत है। तो शिवा सिंह की उन्होंने फिर से उसको मदद करी। अब मदद करने के बाद फिर से द सेम थिंग रिपीट, इस नार्सिसिस्टिक ने फिर वही बिहेवियर किया कि जब वो उन्हें कॉल कर रही है या एज ए फ्रेंड बात करना चाह रही है, तो फिर से वही चीज़ उन्होंने उस बंदे ने करी। अब लेकिन क्योंकि ये जो फेमिनाइन है, इसकी अब कुंडलिनी शक्ति तो अब जागृत हो ही रखी है, तो अब जब शक्ति इतनी जागृत हो रखी है, इतनी हीलिंग कर ली, इतना कुछ कर लिया, तो अब तो शक्ति बर्दाश्त करने वाली है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा कमाल की एक चीज़ करी, इन्होंने भी टैक्सी पकड़ी और ये भी गई और उसको कॉल किया उसके घर, सेम सिचुएशन, वही वाली लड़की वाले जैसा। इन्होंने भी वहाँ गई, इन्होंने टैक्सी पकड़ी, ये गई और इन्होंने कॉल किया और बोला कि तुम्हारे घर के नीचे मैं खड़ी हूँ, यहाँ जाओ, नहीं तो सीधा मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ आज।
तो ही वॉज लाइक शी से कि मैम वो झटपटाने लग गया कि यहाँ कैसे पहुँच गई, यहाँ कैसे पहुँच गई, ये क्या हो गया तुम्हें, ये कैसे पहुँच गई तुम मेरे घर के पास। तो इसने इन्होंने मुझे बताया कि उर्वशी अब पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, और मेरे अंदर की शक्ति ने बोला कि अब बर्दाश्त नहीं करना। 2-3 साल से पागल बना के रखा हुआ है इस नार्सिसिस्ट ने, बंदे ने माइंड गेम खेल खेल के इस लड़की को डिप्रेशन कर दिया, इसकी लाखों रुपए की दवाइयाँ खर्च हो गई, हीलिंग सेशन इतने हो गए, दिमाग का भारी भाव बना के रख दिया। शिवा सिंह कि अब मेरे अंदर की शक्ति कह रही थी कि अब और बर्दाश्त नहीं करना, जाओ उसके घर, बोल रहा था ना बीमार है और इश्यूज हो रहे हैं। तो शिव सिंह की मैं गई वहाँ, और जैसे ही मैंने फ़ोन करके बोला तो वो झटपटाने लग गया कि नहीं 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 मेरे घर में कोई है, ये है वो है, प्लीज़ बताओ ये है वो। तो शिव सिंह की नहीं मैं वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ इधर, अभी आ जाओ, आज बात ही करके जाएंगे ज़रा। तो मुझे बड़ी हंसी आई सुन के। तो शिव सिंह की उर्वशी मैम मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ कहाँ से गई, कि पहले मैं उस इंसान के सामने इतनी लाचार हो गई थी, इतनी हेल्पलेस हो रखी थी, इतनी उस पर डिपेंडेंट हो रखी थी, इतनी कोडिपेंडेंट, और अब मेरे अंदर की शक्ति देखो 2021 में कि उसके घर के नीचे जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर में उसने बोला कि एक काम करो, इस जगह पे मेरे को मिलो, आई एम कमिंग। एंड जब उसने बोला कि 1.5 साल बाद उसने उसको देखा, तो वो इतना कमज़ोर और ऐसा हो रखा था कि उसको पहचान में भी नहीं आया, वो पहचान में भी नहीं आई, इतनी पर्सनालिटी डाउन। और ये ऑब्वियसली इस लड़की के साथ इतना कुछ करेगा तो इसके भी तो फरिश्ते बैठे हैं ना सबक देने के लिए। तो शिवा सिंह की मैंने उसको देखा और मैं उसको पहचान ही नहीं पाई कि ये है कौन। एंड देन शी सेड कि जब वो आया तो वो फिर से वही बातें करने लग गया, मैनिपुलेटिव और माइंड चलाने वाली, और एकदम से मतलब घुमाने फिराने टाइप की बातें, पागल बनाने वाली बातें। एंड इन्होंने बोला कि इनको पता नहीं क्या हो गया, गई तो ये उनका हाल पूछने थी और उनको देखने गई थी, और थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा था कि सुनाएंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे ही इन्होंने उसका शक्ल देखी, इनको सारे मोमेंट जो पहले इसने इसको पागल बनाया 2-2.5 साल में, 3 साल में, वो सारे मोमेंट इनके सामने ऐसे चलने लग गए, और ये भूल गई कि इसका हाल देखने या इसको देखने के लिए आई थी कि कहीं। तो इन्होंने बोला कि एकदम से इनके ऊपर ऐसे अटैक सा पड़ने लगे, शी स्टार्ट सेइंग कि जो तुमने मेरे साथ ये किया है, जो तुमने मेरे साथ ये किया है, मुझे पैनिक अटैक पड़ते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारी वजह से ये मुझे पैनिक अटैक क्यों पड़ रहे हैं, तुम्हें रियलाइजेशन है कि मुझे पैनिक अटैक क्यों पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हें रियलाइजेशन है कि दूसरे इंसान की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है तुम्हारी वजह से, लुक एट यू, तुम्हारी खुद की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए तुम, इतने कमज़ोर कैसे हो गए तुम, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या ईश्वर क्या कर रहा है हम दोनों के साथ। तो इतने में ये बस स्टार्ट से कि नहीं नहीं मैं कम्प्लीटली फाइन हूँ, तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो यहाँ बैठ के, ये क्या बोल रही हो, एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरी हेल्थ का ऐसे ऐसे इशू हो रखा है। शिव सिंह कि सडनली इनके मुँह से चैनलिंग होने लग गई, शिवा सिंह कि इन्होंने एकदम से मुँह से बोलना शुरू कर दिया, जो कि इन्होंने बोला कि बिल्कुल ये बोलना नहीं चाहते थे, बट इनके मुँह से निकलना शुरू हो गया, इसलिए चैनलिंग, मुझे ऐसा लगा कि चैनलिंग करने लग गई है, कि ये जो तुम भुगत रहे हो ये तुम्हारे कर्मों के फल हैं, जो तुमने बहुत सारे लोगों के साथ, शायद और भी औरतों के साथ, और भी लड़कियों के साथ जो तुमने किया है, उसका कर्म तुम्हें ईश्वर दे रहे हैं, उसका कर्म भोग रहे हो। और ये लाइन सुनने के बाद उसने बोला कि जो इतनी देर से वो अपनी चोंच हिला रहा था अच्छी तरीके से मुंह की, तो उन्होंने बोला कि वो एकदम से चुप हो गया और हक्का बक्का होकर सिर्फ उसको देखता रहा कि ये क्या बोल रही है, मतलब जो इतनी देर से बक 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 करने पर लगा हुआ था वो एकदम से चुप हो गया और एकदम आँख फाड़ के मतलब उसे देखने लग गया कि ये क्या बोल रही है। एंड शी वाज सेइंग कि उर्वशी मैं बोलना नहीं चाहती थी ये सब चीज़, पर मैं रोक ही नहीं पाई, पता नहीं उसके अंदर की जो शक्ति रही होगी उसने बुलवा दी ये बात उनसे। शी सेइंग कि मैंने बोला कि ये जो तुम भोग रहे हो, ये फाइनेंशियल लॉसेस, ये हेल्थ इश्यूज, ये इतना हेल्थ जो गिर गई, और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा, आई थिंक ये तुम्हारे कर्मों का फल है, और किस चीज़ के कर्मों का फल है, जो तुमने पिछले दिनों लोगों के साथ जो किया है, या जो चीज़ तुमने मेरे साथ किया, शायद ना जाने कितने और लोगों के साथ की होगी, तो उसका कर्म तुम भोग रहे हो और आगे भी भोगोगे अगर अपने आप को ठीक नहीं किया तो। अंशुभ सिंह की वो ऐसे मतलब हक्का बक्का होके सिर्फ आँखें फाड़ के देखता रहा। एंड फिर उन्होंने बोला कि उसने उससे प्यार से बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली उनको, उन्होंने बोला कि उनको उसके प्यार का भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बाहर आई कार से, और उन्होंने बोला कि अगर जो तुमने मेरे को दिया है मानसिक तनाव, जो चीज़ें तुमने मेरे को दी हैं, अगर वही चीज़ें तुम्हारे घर की किसी और लड़की के साथ या तुम्हारे घर के बच्चों के साथ कोई करके चला जाए, तब बताना मुझे कि कितनी तकलीफ होती है इस चीज़ में, दूसरे इंसान के साथ मज़े लेना, दूसरे इंसान को पागल बनाना, दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करना, दूसरे के माइंड गेम खेलना, दूसरे का फ़ायदा उठाना।
अगर तुम्हारे घर की स्त्रियों के साथ, तुम्हारे घर के बच्चों के साथ कोई ऐसा करके चला जाए तो तुम बताना कि क्या क्या बीतेगी, तुम देखना। एंड वो वहाँ से निकल के आई, उन्होंने फिर मेरे को एकदम से फ़ोन किया कि उर्वशी मैम आज क्या हो गया, 2-2.5 साल से ही कनेक्शन चल रहा था, आई वॉज़ ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये बंदा सुधर जाएगा। आई नो कि मैंने उसके हेल्थ इश्यूज़ देखे, उसके फाइनेंशियल लॉसेज देखे, बहुत कार्मिक चीज़ें चल रही हैं उसके पास, पर उर्वशी मैम ये तो सब खत्म ही हो गया। अंशु सिंह की उर्वशी मैम ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कोई एनर्जी थी जो मुझे पहले तो उठा के ले गई वहाँ पे कि नीचे आओ बात करनी है, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। एंड सेकेंड शी वाज़ सेइंग कि मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये शब्द अपने आप ही चैनल होने लग गए मुँह से। एंड ही वाज सरप्राइज। एंड देन शी सेइंग कि बस मैं ये बोल के वहाँ से वापस आ गई, बट आफ्टर दैट शी वाज़ सेइंग कि मुझे बहुत आराम मिला। आई नो कि ये कनेक्शन कब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन शी वाज़ सेइंग कि बहुत आराम मिला। तो अंदर की शक्ति, जो शक्ति जागृत होती है ना, शक्ति बर्दाश्त नहीं करती, शक्ति बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल भी। शक्ति बहुत फियरलेस है और शक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अन्याय हो और अन्याय कोई भी करे। शक्ति फियरलेस होना सिखाती है। तो उस इंसान की कुंडली ने तो ऐसी जागृत हो रखी है, तो उसके अंदर की जो कुंडली शक्ति है जिसने पिछले दिनों जो अंदर उसके जागृत हो रखी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? बहुत 2-2.5 साल से बर्दाश्त कर लिया। आई थिंक मुझे लगता है कि जो ये जो अभी ये जो इवेंट हुआ 2020 वाला सो गुड, जहाँ पे दोनों एक हो गए थे, बट 2021 वाला इज लाइक काफ़ी वैसा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके का जस्टिस ही था। यहाँ पे शक्ति ने एक तरीके से उसके अंदर से बात करी इस इंसान के साथ, इसको चेहरा दिखाया कि जो तूने मेरे साथ किया है ये शायद तूने पहले भी लोगों के साथ किया है, और जो तेरे साथ आज हालत हो रखी है वो तेरे कर्मों का ही फल है। और अगर तेरे घर के बच्चों के साथ है, तेरे घर की स्त्रियों के साथ कोई ऐसा कर जाए तो तू बताना फिर। ये बात इसने बोली, ये इसके अंदर की शक्ति ने ही बोली है। और शी वाज सेइंग आफ्टर दैट आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, हम एक रिलैक्स मिल गया, एक आराम मिल गया है। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे नार्सिसिस्टिक कनेक्शंस को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं या उनके आगे मुंह इसलिए नहीं खोल पाते, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लस्ट भटकी हुई होती है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये कनेक्शन कभी ना कभी हमारे पास आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, ये लोगों को जब तक आप इनका चेहरा नहीं दिखाओगे तब तक नहीं आएगा। अगर ये माइंड गेम खेलते हो और आप भी यहाँ पीछे से माइंड खेल रहे हो इनके साथ, तो फिर इनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये माइंड गेम खेलते हो और आप में ये रहता है कि आपकी शक्ति एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो आप उस एनर्जी लेवल को जब भी किसी काम में लगाते हो तो बड़ा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अब जब शायद इस टाइप के नार्सिसिस्टिक कनेक्शंस को रिप्लाई देने का टाइम आई थिंक 2021 में है, तो आप में से भी अगर कोई किसी का बंदा या बंदी की हरकत करती है बार बार, या करता है कि बाहर मल्टीपल कनेक्शंस हैं और लोगों को भी पागल बनाता है या बनाती है, या लोगों की एनर्जी को सक करती है सेक्सुअली या किसी और तरीके से, तो आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है कि आपने, अगर आपके सामने ये पर्दे खुल चुके हैं तो आपका भी टाइम आ गया है कि उनको रिप्लाई दो, ना कि सिमट के बैठे रहना है कि कभी तो ये आएगा, कभी तो ये आएगी, कभी तो ये आएगा ना। अगर सचमुच में आपके अंदर शक्ति जागृत है तो वो जवाब तो देगी ज़रूर, क्योंकि नहीं, अगर शक्ति बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं होती, वो तो चेंज लाने वाले लोगों में से होती है। तो यही था जो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ आज के दिन अमावस्या के। आई नो आज के दिन कुछ लोगों को हैवी फील हो रही होगी, कुछ लोगों को नहीं हो रही होगी, बट खैर आज के दिन मेरा मन था इस वीडियो को शेयर करने का आप लोगों के साथ। सो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।